नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिरस पेड़ के फायदों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सिरस एक पेड़ है जिसके फल पत्ते बीज छाल में औषधीय गुण होते हैं जिससे शरीर की कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है। सिरस औषधि के क्या लाभ हैं? सिरस के इस्तेमाल से सिर का दर्द, माइग्रेन, दांत का दर्द, खांसी, त्वचा संबंधी रोग, पीलिया, बवासीर आदि समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। सिरस के तने भूरे रंग के होते हैं और छाल खुरदरी होती हैं। बीज बाहर से भूरा होता है, वहीं पत्ते दिखने में इमली के पत्तों जैसे नजर आते हैं। इस पेड़ पर उगने वाले फूल पीले और सफ़ेद होते हैं। दोस्तों आज हम आपको सिरस औषधि के फायदे और उसे इस्तेमाल करने के तरीकों के बारे में बताएंगे। नंबर एक, दांत का दर्द दूर करती है सिरस। दोस्तों अगर आपके दांत में दर्द है तो आप सिरस औषधि का लाभ उठा सकते हैं। सिरस के बीज से दर्द दूर हो जाता है। सिरस के बीजों का इस्तेमाल करने के लिए आप सिरस के बीजों को पीसकर पाउडर बना लें। अब इसमें लौंग का तेल मिलाएं और उस दांत पर लगा लें जहां दर्द है। फिर 20 मिनट बाद कुल्ला कर लें, इससे दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। आप सिरस के बीजों का पाउडर अपने टूथपेस्ट में मिलाकर भी लगा सकते हैं। इससे दांतों में सड़न की समस्या नहीं होगी, पर आपको पायरिया के लक्षण या मुंह या दांत से जुड़ी अन्य बीमारी के लक्षण नज़र आते हैं तो डॉक्टर की सलाह पर इस नुस्खे को अजमाएं। नंबर दो, सिर में दर्द हो तो इस्तेमाल करें सिरस औषधि। दोस्तों अगर आपके सिर में दर्द या माइग्रेन जैसी बीमारी के लक्षण हैं तो आप सिरस पेड़ के फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरस के ताज़े फूलों की खुशबू से सिर का दर्द ठीक होता है। आपको केवल इस फूल को सूंघना है। फूल को सूंघने के लिए आपको फूल को सीधे हाथ में लेने के बजाय ऐसे कंटेनर में पीस कर डाल दें जिसके ढक्कन में छेद हो, फिर इसकी खुशबू लें, या फिर आप सिरस के फूलों को रुमाल में लपेटकर भी इसकी खुशबू ले सकते हैं। नंबर तीन, स्किन से जुड़ी समस्याओं को दूर करें सिरस। दोस्तों अगर आपके शरीर में खुजली होती है तो सिरस औषधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरस के बीजों को पीस लें और इसमें एलोवेरा जेल मिलाकर त्वचा पर लगा लें तो इससे खुजली की समस्या दूर हो जाएगी। सिरस के पत्तों को जली या कटी त्वचा पर लगाने से त्वचा में जलन कम होती है। सिरस की छाल में भी औषधीय गुण होते हैं। इसे पीसकर भी आप खुजली वाले हिस्से में लगाएंगे तो त्वचा को आराम मिलेगा। इसके अलावा कुछ लोग सिरस के फूलों के रस का सेवन भी करते हैं जिससे खून साफ होता है, पर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लिए बिना इसके रस को न पिएं। चेहरे पर दाग धब्बे मुहासे को हटाने के लिए भी सिरस के फूलों का रस इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर चार, खांसी होने पर इस्तेमाल करें सिरस या सिरिस औषधि। दोस्तों खांसी की समस्या दूर करने के लिए आप सिरस के बीजों का काढ़ा बना लें। इस काढ़े को पीने से खांसी की समस्या दूर हो जाएगी। काढ़ा बनाने के लिए आपको सिरस के बीजों को पीसकर पाउडर बनाकर रख लेना है। अब आप 2 गिलास पानी लें और इसमें काली मिर्च, शहद, सिरस के बीज का पाउडर डालकर उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो इसका सेवन करें। सिरस से खांसी की समस्या दूर होती है। नंबर पाँच, शरीर की कमजोरी दूर करती हैं सिरस की छाल। दोस्तों सिरस की छाल में भी औषधीय गुण होते हैं। अगर आप शरीर की थकान या कमजोरी दूर करने के उपाय ढूंढ रहे हैं तो आप सिरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेड़ की छाल को पीस लें और पाउडर को घी में मिलाकर खाएं। इससे शरीर की कमजोरी दूर होगी। जिन लोगों को पीलिया के लक्षण नज़र आते हैं उनके लिए सिरस फायदेमंद है। पीलिया होने पर सिरस की छाल का पानी पीना फायदेमंद होता है। सिरस की छाल को रात भर भिगोकर रख दें और सुबह उठकर खाली पेट छाल का पानी पी लें तो पीलिया रोग से छुटकारा पा सकते हैं। कई लोगों को नेचुरल औषधि से एलर्जी हो सकती है, इसलिए अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करके ही किसी भी औषधि का इस्तेमाल करना चाहिए।